ओ मेरे जंगजुओं, तुम कहाँ जाओगे? पीछे तुम्हारे समुंदर है और आगे दुश्मन। तुम्हारे पास अब सिर्फ अपनी हिम्मत और इस्तकामत की उम्मीद बाकी है। याद रखो, इस मुल्क में तुम उस यतीम से ज्यादा बदकिस्मत हो जो लालची आका के दस्तरखान पे बैठा हो। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है, बेशुमार फौज से महफूज है, उसके पास आदमियों की कसरत है, लेकिन आपकी वाहिद मदद के तौर पर आपकी अपनी तलवारें हैं और यही आपकी जिंदगी का वाहिद मौका है। ऐसा मौका जिसे आप दुश्मन के हाथों से छीन सकते हैं। वो रिसवाई जिसे तुम ख्वाब में दूर भागते हो, इसे दूर करो और इस बादशाह पे हमला करो जो तुमसे मिलने के लिए अपना मजबूत किला बन शहर छोड़ कर आया है। यहां अगर हम अपने आप को आजादाना तौर पर मौत के सामने बेनकाब करने पर रजामंद हो जाएं, तो यहां उसे शिकस्त देने का बेहतरीन मौका है। यह ख्याल ना करना कि मैं आपको ऐसे खतरात का सामना करने पर उकसाना चाहता हूं जो मैं आपके साथ बांटने से इनकार करूंगा। हमले में मैं खुद आगे हूंगा जहां जिंदगी का अमकान हमेशा कम होता है। अगर आप हमारी कामयाबी हासिल करने में ताखीर करते हैं तो आपकी खुशकिस्मती खत्म हो जाएगी और आपके दुश्मन, जिनको आपकी मौजूदगी ने खौफ से भर दिया है, हिम्मत पकड़ लेंगे। वो रसवाई जिसे तुम ख्वाब में दूर भागते हो, उसे दूर करो और इस बादशाह पे हमला करो जो तुमसे मिलने के लिए अपना मजबूत किला बन शहर छोड़ कर आया है। यहां अगर हम अपने आप को आजादाना तौर पर मौत के सामने बेनकाब करने पर रजामंद हो जाए, याद रखो कि मैं जिस बेहतरीन हमले की आपसे उम्मीद करता हूं, इसकी कमान मैं खुद संभालूंगा। उस वक्त जब दोनों फौजें एक दूसरे के सामने मिलेंगी, तुम देखोगे। इसमें कोई शक ना करना कि मैं रॉड्रिक को ढूंढूंगा जो अपने लोगों का जालिम है, इसे मुकाबले के लिए चैलेंज करूंगा इंशाल्लाह। अगर इसके बाद मैं हलाक हो जाऊं तो मुझे कम अज कम आपके दरमियान सुरखरू होने का इत्मीनान होगा और आपको आसानी से अपने दरमियान एक तजर्बाकार हीरो मिल जाएगा जिसे आप इत्मीनान के साथ हिदायतकारी का काम सौंप सकते हैं। लेकिन अगर मैं रॉड्रिक तक पहुंचने से पहले ही गिर जाऊं, अपने जोश को दुगना कर देना, अपने हमले पर मजबूर कर देना और इसे जिंदगी से महरूम करके इस मुल्क की फतह हासिल कर लेना, इसके मरने के बाद इसके सिपाही आपके मातहत होंगे। याद रखें, अगर आप सब्र के साथ कुछ लम्हे बर्दाश्त करते हैं तो आप बाद में आला लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये मत सोचो कि तुम्हारा नसीब मुझसे अलग हो सकता है, और यकीन रखो कि अगर तुम गिर गए तो या मैं तुम्हारे साथ हलाक हो जाऊंगा या तुम्हारा बदला लूंगा। आपने सुना है कि इस मुल्क में बड़ी तादाद में यूनानी कवारियां हैं। इनकी खूबसूरत शक्लें शानदार लिबासों में लिपटी हुई हैं, जिन पर चमकदार मोती, मरजान और खालिस तरीन सोना चढ़ा हुआ है, और वो शाही बादशाहों के महलात में रहती हैं। मोमनों के कमांडर अल वलीद इब्ने अब्दुल मालिक ने अपने तमाम अरब जंगजुओं में से इस हमले के लिए आपको मुंतखब किया है, और वो वादा करता है कि तुम इसके साथी बनोगे और इस मुल्क में बादशाहों के ओहदों पर फायज होगे। ऐसा है उसका इत्माद आपके जुनून पर। आपकी शुजात से एक फल जो वो हासिल करना चाहता है वो ये है कि इस मुल्क में खुदा का कलाम बुलंद हो और यहां सच्चा दीन कायम हो। माल गनीमत आपका होगा।